टीवी सीरियल अनुपमा अभी भी दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। लव ट्रायंगल बेस्ड ये सीरियल अक्सर टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहता है। सीरियल की लीड एक्ट्रेस रूपाली गंगुली और मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदलाशा शर्मा है, जबकि लीड रोल में सुधांशु पांडे है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गंगुली सबसे ज़्यादा फीस पाने वाली टीवी एक्ट्रेस बन चुकी है। एंटरटेनमेंट पोर्टल बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक रूपाली गंगुली ने 1.5 लाख रुपया रोजाना की फीस के साथ शुरुआत की थी। ये किसी भी सीनियर एक्ट्रेस के लिए मोटी रकम है, लेकिन अब उन्हें प्रतिदिन 3 लाख रुपये की फीस दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इतनी मोटी फीस टीवी इंडस्ट्रीज में फिलहाल किसी को नहीं मिल रही है, इसीलिए रूपाली गांगुली टीवी में सबसे महंगी एक्ट्रेस बन चुकी है। कहा जा रहा है कि रूपाली गांगुली की सैलरी सीनियर एक्टर राम कपूर और रॉनी त्रॉय से भी ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा में काम करने वाले एक्टर गौरव खन्ना और सुधांशु पांडे को रोजाना 1.5 लाख रुपये फीस मिलती है। गौरव सीरियल में अनुज कपड़िया और सुधांशु पांडे वनराज शाह का रोल निभा रहे हैं। अनुपमा सीरियल को राजन साहिब प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सीरियल में रूपाली गांगुली एक ऐसी महिला का किरदार निभा रही है जो अपने बच्चों और परिवार के लिए हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार रहती है। बता दें कि सीरियल अनुपमा 13 जुलाई 2020 से शुरू हुआ है। इसे 18 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। सीरियल में अनुपमा का रोल निभाने वाली रूपाली गांगुली ने 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। 1985 में रिलीज हुई फिल्म साहेब में उन्हें चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काम मिला था। फिल्म में अनिल कपूर, अमृता सिंह, राखी और उत्पल दत्त लीड रोल में थे, जिसका डायरेक्शन रूपाली गांगुली जी के पिता अनिल गांगुली जी ने किया था। रूपाली गांगुली ने टीवी की दुनिया में कदम सुकन्या सीरियल से रखा था। उसके बाद वो 2003 से 2005 तक संजीवनी सीरियल में डॉक्टर सिमरन का किरदार निभाते हुए दिखाई दी थी। रूपाली गांगुली जी ने सारा भाई वर्सेस सारा भाई, काव्यांजलि और कहानी घर घर की में भी काम किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।